श्रीलंका की संसद के स्पीकर महिंदा याप्पा अभयवर्धना ने भारत के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा, भारत एक भरोसेमंद दोस्त है और उसने पिछले साल आर्थिक संकट के दौरान हमारी रक्षा की। अगर भारत न होता तो शायद देश में एक बार फिर से खून खराबे का माहौल बन जाता। दो दिन पहले इंडियन ट्रेवल कांग्रेस के डेलीगेशन के लिए हुए गाला डिनर के दौरान श्रीलंकन स्पीकर ने ये बात कही। अभयवर्धना ने कहा, श्रीलंका और भारत के बीच गहरी दोस्ती है। भारत हमेशा हमारा सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। दोनों देशों में कल्चर, नेशनल, सोशल और पॉलिसी के लिहाज से काफी समानता है। मैंने सुना है कि भारत हमारे लोन को 12 सालों के लिए बढ़ाने को तैयार है। हमें कभी इसकी उम्मीद नहीं थी और आज तक किसी भी देश ने हमारी इतनी मदद नहीं की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए संसद स्पीकर ने कहा, श्रीलंका में मौजूद भारतीय एम्बेसडर गोपाल बगले हमारे खास दोस्त हैं। हम उनसे बेहद प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। भारत हमेशा हमारी मदद के लिए आगे आया है। पिछले साल इकोनॉमिक्स क्राइसिस के वक्त भारत ने हमारी आर्थिक मदद की, जिसमें हमें 6 महीने तक देश चलाने में आसानी हुई। हम इसके लिए भारत और पीएम मोदी के आभारी हैं। कुछ दिन पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल ने कहा था कि उनके देश का इस्तेमाल कभी भारत के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। ब्रिटेन और फ्रांस के दौरे पर रवाना होने से पहले रानिल ने कहा था, इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम चीन से कभी मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं करेंगे। चीन और श्रीलंका के रिश्ते मजबूत थे, लेकिन हम ये भी साफ कर देना चाहते कि हमारे देश में चीन का कोई मिलिट्री बेस नहीं है और न होगा। हम एक न्यूट्रल देश हैं। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।